बहुत तकलीफ होती है। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। म्यूजिक तुझे हमको आया नहीं, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आई। हेलो गाइज, अगर आप इस तरीके के स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं अपने खुद के फोटो से, अपनी गर्लफ्रेंड के फोटो से, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपका कैनवास्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, क्रिएट नो पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ से आपको सबसे पहले एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपको लिरिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लिरिक्स वाली वीडियो, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। जो भी मटेरियल को हम यूज़ करने वाले हैं उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो टेलीग्राम चैनल पे तो डेफिनेटली मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, शेडिंग वाले ऑप्शन क्लिक करना है, एडिटिंग क्लिक करना है, यहाँ से आपको फुल स्क्रीन कर लेना है और फोटो ड्यूरेशन आपको 4.5 ही रहने देना है। उसके बाद गाइज यहाँ से आपको अपने कुछ फोटो को सिलेक्ट करना है जिनसे आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं कुछ फोटो को ऐड कर लेता हूँ क्योंकि उनके बगैर हमारा स्टेटस क्रिएट होना जायज़ ही नहीं है। तो कुछ फोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक गाइस, तो यहाँ से मैंने कुछ फोटो को ऐड कर लिया, आपको भी इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, सारे फोटो में आपको एक ग्राफिक्स लगाना है, तो पहले फोटो पर क्लिक करता हूँ, क्लिक ग्राफिक्स में जाना है, एक ग्राफिक्स को आपको डाउनलोड करना है। उसके लिए गेट मोर पर स्टोर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा एनिमेशन का इन एनिमेशन, सिंपली आप लोगों को पता ही होगा, आपको डाउनलोड कर लेना है, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है, मुझे इसे लगाना है, इसका लगाना है आपको 33 नंबर। ठीक है, ये वाला लगा दिया, तो सभी फोटो में आपको यही इन एनिमेशन का 33 नंबर लगा लेना है। तो फटाक से सभी फोटो में आपको लगाने के बाद मिलता हूँ, वरना हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथ की हो जाएगी। भाई जहाँ से मैंने अपने सारे फोटो, जितने भी मेरे पास फोटो है, मैंने सारे फोटो में ग्राफिक्स को ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, जहाँ से आपने फोटो को ऐड किया है वहाँ पे आपको आ जाना होगा, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन नहीं, ब्लू स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है जिससे काफ़ी गजब का इफेक्ट आएगा। तो आपको इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, इसका भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, एचडी के बराबर वाले ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है, इसके वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना है क्योंकि म्यूजिक वाली वीडियो को हम अभी ऐड करने वाले हैं। उसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, आपको उस पर क्लिक करना है, मास्क को इनेबल करना है और की कलर को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा, ग्रीन, ठीक है, ब्लू, ठीक है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अच्छे से हट जाएगा, अगर नहीं हटता है तो कैसे क्या करना है, इस वाली लाइन को यहाँ से आपको कर देना है 44। ठीक है, इस तरीके से ये हट जाएगा, देख लीजिए आज कितना गजब का कमाल का, अपने आप भी सब कुछ हट गया है। तो आपको इस तरीके से कर देना है, इसे थोड़ा कम कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है, अपने आप ही हट जाएगा। उसके बाद बैक आ जाना है, बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको चला के देखना है यहाँ से कि हमारा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा। यहाँ पे गया तो यहाँ से हमें अपने फोटो को ट्रिम कर देना है। अब दूसरा फोटो आएगा तो दूसरे फोटो को देख लेना है कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस फोटो को ट्रिम करना है, नेक्स्ट फोटो आएगा तो नेक्स्ट फोटो ये रहा, अब ये देखना है कहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, तो इस फोटो को यहाँ से आपको ट्रिम कर देना है। इस तरीके से आपको सारे फोटो में इस तरीके से इफेक्ट को ऐड कर लेना है, इसको चला चला के। यहाँ पे चला गया तो इस फोटो को यहाँ से आपको ट्रिम कर देना है, फिर से चलाना है आगे, अब यहाँ से आपको इसे ट्रिम कर देना, ये रहेगा, इसको भी आपको थोड़ा चलाना है और इसको भी यहाँ से आपको ट्रिम कर देना है। आप चाहें तो और भी फोटो ऐड कर सकते हैं, वरना इसको आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक गाइस, यहाँ से आपको आना होगा बिल्कुल शुरू में, लेयर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको म्यूजिक वाली वीडियो को ऐड कर लेना होगा जिसमें आपको म्यूजिक देखने के लिए मिल जाएगा। तो म्यूजिक वीडियो का भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप सारे मटेरियल को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो म्यूजिक वीडियो आगे हैशटैग ऑडियो क्लिक करके म्यूजिक को निकाल लेना है, बाकी इसको आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ से हमारा म्यूजिक आ चुका है, आप चाहें तो फोटो को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये फोटो की लेंथ को थोड़ा कम कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप फोटो को चाहें तो किसी को भी
ट्रिम कर सकते हैं। इसमें यहाँ से एक फ़ोटो को डिलीट कर देता हूँ और इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर देता हूँ, बाकी इस वाली वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके तो गाइज अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। अब गाइज यहाँ से आपको शुरू में आना है, लेयर वाले ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक पार्टिकल्स इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड करना होगा, जिससे काफ़ी गॉर्जियस इफेक्ट आ जाएगा पार्टिकल्स वाला लुक। ठीक है गाइज, तो यहाँ से हम उस वीडियो को भी हम ऐड कर लेते हैं, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। ठीक है, यहाँ से आपको इस तरीके से आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना है, सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है और इसके वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना है क्योंकि म्यूजिक वीडियो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है। तो गाइज कुछ इस तरीके का कमाल का इफेक्ट आ जाएगा जो देखने में काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लगता है और आपका स्ट्रेस काफ़ी कमाल का बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, बस मैं चला कर दिखा देता हूँ, सिंपली आपको इसे सेव कर लेना है।